बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में 5 अगस्त को दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला सरला काका ब्लाइंड मर्डर खुलासे में जुटी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। आपको बता दें, कृष्णानगर एसीपी विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन में सरोजनी नगर थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र गिरी की पुलिस टीम एवं डीसीपी साउथ सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में इस ब्लाइंड हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रेमी युगल को किया गया गिरफ्तार। कर लूट के माल किया गया बरामद। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ से स्वरूप सिंह ने बताया कि एलडीए सेक्टर एफ मृतका के पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाली युवती और उसके प्रेमी ने लूटपाट के इरादे से 70 वर्षीय महिला सरला काका की हत्या की थी। पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारा सूरज यादव मूल रूप से उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र अंतर्गत नरमरी का मूल निवासी है, जो लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिकोनिया के पास रहता था। वहीं उसकी प्रेमिका मृतका के पड़ोस किराए के मकान में रहती है। अभियुक्त ऑनलाइन गेमिंग में इतना नुकसान उठा चुका था कि उसकी भरपाई करने के लिए अपनी प्रेमिका संग साजिश रचकर लूटपाट के चक्कर में मकान में अकेली रह रही 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर डाली। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने 25,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दिनांक 5/8/2024 को दोपहर में एक सूचना मिली कि एलडीए कॉलोनी में सेक्टर एफ में एक महिला की हत्या हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो वहां देखा, घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसमें महिला मृत पड़ी हुई थी। उसका गला जो है बंधा हुआ था, अंगोछे से पैर बंधे हुए थे और जिस ड्राइंग रूम में थी कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तो उसको देखने के बाद जो तहरीर मिली मृतका के बेटे की तरफ से, अमित की तरफ से, उस तहरीर के आधार पर थाना सरोजनी नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना क्योंकि चैलेंजिंग थी, इसको वर्कआउट करने के लिए हमने पूरी 5 टीमें लगाई, अपनी सर्विलांस टीम क्राइम ब्रांच वो सब लगा दिया। 3 यूनिट को तत्काल बुलाया गया, डॉग स्क्वाड उसका पूरा इंस्पेक्शन कराया गया और ये टीमें सतत काम की और काम करने पर जो तथ्य प्रकाश में आए उसमें एक मुलजिम जिसका नाम सूरज यादव है, जो मूल रूप से उन्नाव का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में तिकोनिया थाना पारा में रहता है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, और दूसरी जो लड़की थी 29 साल की है, उसका नाम है अर्चना शर्मा, जो घटनास्थल के एक मकान के बाद किराए के मकान पर परिवार सहित रहती है। ये दोनों पहले लीली विलास होटल में काम करते थे, वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई, तब से इनका आना जाना हो गया। और इधर सूरज यादव ने दूसरा जो एसएसबी गारमेंट है उस पर इसने काम करना शुरू किया, लेकिन वो रोजाना यहाँ भेजने आता था। ये जो सूरज यादव था ये ऑनलाइन गेमिंग करता था, ऑनलाइन गेमिंग में ये बहुत ढेर सारी चीजें हार गया, अपना पैसा, इसने यहाँ तक कि अपनी 2 बाइक, 1 चारपहिया गाड़ी, अपने भाई का मोबाइल वो गिरवी रख दिया। इस अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे भी इसने 50,000-60,000 रुपया लिया, वो भी सब खर्च कर डाला उसी में। साथ ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ के जो इयररिंग थे वो भी उसको गिरवी रख दिया। ये इतनी विपन्नता की स्थिति में आ गए, तब इन लोगों ने एक प्लान बनाई कि ये पैसा कैसे रिकवर हो, कैसे हम गिरवी से उभरे। तो जो ये लड़की अर्चना है इसने पूरी योजना बताई कि मेरे बगल में एक आंटी रहती है, वो अकेले रहती है और उनके पास, उनके आसपास कोई रहता नहीं है, और जो इन्होंने देखा था कि वो हाथ में सोने की चूड़ियां पहने हुए, अंगूठी पहने हुए, कान में इयररिंग पहने हुए हैं, और चूंकि वो पेंशन पाती थी तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा, तो इनको एक अंदाजा हुआ कि इतना ये हो जाएगा। इस योजना के तहत इन्होंने 10-15 दिन से पूरी रैकी किया, पूरी योजनाएं बनाया, बार बार उसका अभ्यास किया। इसके बाद ये 5/8 को सुबह जो है ये पार्क जो सामने वहाँ दाखिल होते हैं वहाँ से वाच करते रहे। जब उनकी काम वाली जो सुबह आती है, पहले एक बार आती है, फिर दोपहर में 11 बजे आती है, लगभग 12 बजे चली जाती है। उस दिन जैसे वो 12 बजे काम करके चली गई, वैसे ही महिला अर्चना वहाँ दाखिल होती है, और दाखिल होने पर इस महिला ने ऐसे ही अपना बताया हालचाल लेने का, तो वो जो वृद्ध महिला थी
वो इनके लिए पानी और बिस्कुट लाई। इन्होंने कहा कि मेरा फास्ट है तो वो केला लेके आई। इतने में इसने टेलीफोन कर दिया तो इनका जो फ्रेंड था सूरज यादव वो तत्काल वहां पहुंच गया और वो अंगोछा जो है गले में डाला और हाथ से गला दबा दिया। इस महिला ने उनका पैर जो है उन्हीं के दुपट्टे से मृतका के दुपट्टे से इसको बांध दिया। एक अर्नामेंट की मूर्ति जैसी रखी हुई थी उससे इन्होंने वार करके उसको सिर में कई बार चोट मारा जिससे वहां खून भी काफी बहा। और इसके बाद ये जो महिला है इन दोनों ने उसके जो हाथ में कंगन पहने हुई थी जो अंगूठी पहने हुई थी जो कान के टप्स थे उनको निकाल लिया। एक मोबाइल जिसको मृतका यूज करती थी उसमें टेलीफोन आ रहा था उसको स्विच ऑफ किया और उसको ले लिया। एक नया मोबाइल पैक्ड रखा हुआ था वो लेकर के और ये बाहर निकल गए पार्क होते हुए। और इसको क्योंकि ये केस इतना चैलेंजिंग था इस केस में समस्त हमने मैनुअल भी काम किया सर्विलांस का प्रयोग किया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो भी किया और मैनुअल जो हमारी नेटवर्किंग होती है मुखबिर और वो सब भी लगाए। लगाने के बाद जो हमको हम लोगों को ये तथ्य निकल के आया कि ये दो मुलजिम है और इसको सेफ पकड़ना भी एक चैलेंजिंग था कि कहीं फिसल जाए तो फिर शायद न मिल पाए हो लेकिन इसको सेफली पकड़ा गया। मुलजिमों का अरेस्ट करना मुलजिमों ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए उन्होंने पूरी घटनाक्रम जो बताया और इसमें मुलजिमों के कब्जे से जो सोने के टप्स थे वो प्लस अंगूठी प्लस एक मोबाइल जो नया वाला ले गए थे वो प्लस इनका जो कपड़े उस समय पहने हुए थे वो कपड़े इनका जो चप्पल वो सब बरामद कर लिया गया है। और मुलजिमों ने ये बताया कि जो सोने की चूड़ियां थी जिसको सोना समझ रहे थे उन्होंने कहीं चेक कराया तो वो उनको पता चला कि सोना नहीं ये आर्टिफिशियल है तो इन लोगों ने उसको फेंक दिया। साथ ही एक मोबाइल भी जो पहले का पुराना वाला था उसको फेंक दिया। हमने इसको प्रयास किया खोजने का लेकिन ये दोनों चीजें नहीं मिली। बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है ये जो मुलजिम सूरज यादव है 2021 में भी इनके 304 बी का एक मुकदमा कायम हुआ था। बाकी इनके आपराधिक इतिहास को और भी तलाशा जा रहा है और जो प्रदर्श मिले हैं इसमें घटनास्थल से पहले और जो इनसे बरामद हुआ है इन सभी को मिलान के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही सभी कड़ी से कड़ी जोड़ करके विवेचना को अंतिम रूप दिया जाएगा और इस केस को जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगाने के बाद इसको ऐसी स्थिति में लाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी इसको सुनवाई करा करके इनको अधिकतम सजा दिलाई जाएगी। साथ ही इसमें जो टीम लगातार काम की है उस टीम के लिए हमने अपनी तरफ से 25,000 रुपया इनाम की घोषणा की है। साथ ही इस काम के लिए